एक दशक पहले तक फिनाले शब्द इतना चर्चित नहीं था, परंतु अब चारों तरफ ग्रैंड फिनाले या फिनाले शब्द सुनाई पड़ता। तो सवाल यह है कि जब डिक्शनरी में फाइनल शब्द पहले से मौजूद था, तो उसकी जगह पर फिनाले शब्द का प्रयोग क्यों शुरू हुआ? तो फैक्टेड बाय विकास का आज का वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए, जिसमें हम इसी की ही चर्चा करेंगे। अगर शब्द फाइनल और फिनाले की हम बात करें, तो दोनों अलग अलग शब्द है और अलग अलग जगह पे यूज होता है। सेमेस्टर एग्जाम में या कोई भी जब श्रृंखला का अंत होता तो वहाँ पे फाइनल शब्द का यूज़ किया जाता है, फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल सेमेस्टर इत्यादि। लेकिन जब कोई रियलिटी शो होता है या कोई सीरियल होता है, वो जब अपने अंतिम अवस्था पे हो जाता है, तो वहाँ पे फिनाले या ग्रैंड फिनाले शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे समापन के साथ एक समारोह का होना अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पे ग्रैंड फिनाले का यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरेस्टिंग जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में इंस्टाग्राम पे जिसने जिसने फॉलो नहीं किया है जरूर से फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई भी आपके मन में डाउट हो। तो अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।